दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ की रसोई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, लीजिए, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये साथ ही 3,000 रुपये भी आ गए हैं। दूसरी पार्टी ने भी पिछले महीने के पैसे दे दिए हैं, वह भी जमा हो गए हैं। इस महीने भी हमें बहुत से ऑर्डर मिले हैं। अगले महीने एक इवेंट में भी 3 दिन खाने का ऑर्डर हमें ही मिला है। ईशा खुशी से बोली, वाह वाह बहू, बहुत अच्छी बात है, ये तो चमत्कार ही हो गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भी अपनी मेहनत से कुछ कमा सकेंगे। सुजाता जी सहकते हुए बोली, मम्मी जी, ये सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद से ही हुआ है, इसीलिए तो हमने हमारे इस बिजनेस का नाम रखा है सासू माँ की रसोई। ईशा और प्रिया एक साथ बोली, मेरे बच्चियों, देखा जाए तो ये सब तुम दोनों की लगन, मेहनत और हमारी इस सुटकी बहू ईशा की दिली इच्छा से ही हुआ है। ये हमेशा कहती रहती थी, मुझे जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, और देखो, इसने तो अपने साथ हम दोनों को भी अपने पांवों पर खड़ा कर दिया। सुजाता जी दोनों बहुओं गले लगाती हुए प्यार से बोली, ये है सुजाता जी और उनकी दोनों बहुओं की कहानी। बड़ी बहू प्रिया है और छोटी बहू ईशा। सुजाता जी अपने पति महेश और दोनों बेटों के साथ विजयनगर में रहती हैं। उनके पति सरकारी स्कूल में टीचर हैं। दोनों बेटे शहर के पास एक फैक्ट्री में काम करते हैं। कुल मिलाकर मध्यम वर्गीय सुखी परिवार हैं सुजाता और महेश जी का। बड़े बेटे के 2 बच्चे हैं। छोटे बेटे की 2 साल पहले ही शादी हुई है। बड़ी बहू इसी शहर की रहने वाली है और छोटी बहू मुंबई में पली बड़ी है। वह शादी से पहले मुंबई में भी एक ऑफिस में जॉब करती थी, इसलिए यहाँ पर उसे दिन भर घर में रहना और घर का काम करना बहुत अजीब लग रहा था। वह दबी जबान में जॉब करने की बात करती थी, लेकिन घर का वातावरण ऐसा नहीं था। यहाँ अधिकांश महिलाएं सिर्फ घर का काम करती और रिश्तेदारों के परिवार में आना जाना ही उनकी जिम्मेदारी है। छोटी बहू मुंबई की महिलाओं की तरह कुछ काम करके घर में आर्थिक सहयोग भी करना चाहती थी, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। कारण कि यहाँ उनके परिवार में औरतें काम नहीं कर सकती थी। शायद ज्यादा शिक्षित
भी नहीं थी, या यूं कहे कि कोई घर से निकलकर जॉब करना ही नहीं चाहती थी। ईशा ने अपने पति से भी कहा, लेकिन वह भी परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। बड़ी बहू प्रिया भी कहती, ईशा तू क्यों परेशान होना चाहती है नौकरी करके, घर में रह आराम से। लेकिन ईशा तो कुछ न कुछ तो करना चाहती थी। ईशा की शादी के 7-8 महीने ही हुए थे कि कोरोना के कारण उनके शहर और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। उन्हीं दिनों उनके 2-3 करीबी रिश्तेदारों को भी कोरोना हो गया, तो सुजाता जी कई दिनों तक घर से खाना बना कर अपने रिश्तेदार के घर के बाहर रखवा देती थी। इस प्रकार मदद करना उनको बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद रिश्तेदारों के पड़ोस में और अन्य जान पहचान वालों को भी कोरोना हुआ, तो उन्होंने भी उनसे संपर्क किया और खाना बनाकर भेजने को कहा, बदले में पैसे भी देने की जिद की। उनका हाथ का बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आने लगा। 2-3 महीनों में ही उनके खाने की बहुत तारीफ होने लगी। बहुत से लोग उनसे खाना मंगवाने लगे। उनका बनाया हल्का पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना सबको पसंद आ रहा था। उनको कोरोना वायरस के माहौल में भी कमाई भी हो रही थी। दोनों भाई भी उनकी मदद करते थे। सब घर वाले बहुत खुश थे। अब तो उनको फोन पर दूर दूर से ऑर्डर मिलने लग गए थे। कोरोना के कारण वे बहुत सावधानी से भी काम करते थे। धीरे धीरे कोरोना ठीक होने के बाद उन्होंने खाना बनाने का काम जारी रखा। सुजाता जी मिठाई बहुत अच्छी बनाती थी। तीनों सास बहु मिलकर खाना तैयार करती। अब तो इस काम में मदद के लिए उन्होंने 2-3 कामवाली भी रख ली, क्योंकि काम बढ़ गया था और छोटी बड़ी पार्टियों में खाने का ऑर्डर मिलने लगा था। खाना बनाकर घर से सप्लाई करती। ऑफिस में काम करने वाले और अकेले रहने वाले लोगों के लिए टिफिन सर्विस भी शुरू कर दी। कई बर्थडे पार्टी और किटी पार्टी में भी वे अपने हाथों से खाना बनाकर सप्लाई करने लगी। कम मुनाफे के साथ शुद्ध और स्वादिष्ट खाने के कारण उनका नाम सासू माँ की रसोई पूरे शहर में प्रसिद्ध होने लगा। सास बहु और पूरा परिवार खुश था। ईशा ने अपने साथ साथ जेठानी और सासू माँ की जॉब शुरू करवा कर एक नई शुरुआत कर दी। कोरोना से भी जंग जीत कर दुनिया के साथ एक नई शुरुआत कर रहा था। अब सुजाता और महेश जी का परिवार भी